हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेज इन एक्सटर्नल फील्ड। इससे जो पहले हमने वीडियो दिया था, जस्ट पहले, उसमें था कि एक्सटर्नल फील्ड वहाँ नहीं था जहाँ चार्ज रखा हुआ है, और हम लोगों को उसका निकालना था पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज आके ऐड हो गया कि चार्ज जो है, चार्ज सिस्टम चाहे दो चाहे तीन चाहे एक भी चार्ज अगर है तो वहाँ एक्सटर्नल फील्ड भी है पहले से, तब हमको निकालना है चाहे एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए या दो का या तीन का या सो ऑन का। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें समझने लायक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बात है कि जब ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ है, इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल भी होगा। हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पोटेंशियल होगा, तो हमको उस पोटेंशियल को भी कंसीडर करना है वर्क डन निकालने में। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले हमने दिया है कि एक ठो चार्ज लिए हैं, सिंगल चार्ज जो है वो एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। तो हम लोग जो पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क किया जाता है वही उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो कहने का मतलब, अगर भी पोटेंशियल है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण उस पॉइंट पर जहाँ क्यू, मान लीजिए एक चार्ज क्यू है, फील्ड के कारण मान लीजिए पोटेंशियल भी है। तो पोटेंशियल भी अगर है तो कहने का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से वहाँ तक लाने में जो वर्क डन हुआ वही वहाँ पोटेंशियल भी के रूप में है। तो अब हम अगर चार्ज क्यू लाते हैं, यूनिट पॉजिटिव के बदले अब चार्ज क्यू लाते हैं, तो इसका मतलब उस पोटेंशियल से हमको मल्टीप्लाई कर देना है चार्ज को। तो भी है खाली यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर हम क्यू लाते हैं तो क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया वर्क डन बराबर क्यू इंटू भी। तो यही वर्क डन स्टोर हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी इन द सिंगल चार्ज सिस्टम। ओके, मैं समझता हूँ क्लियर है। फिर भी मैं एक बार कह देता हूँ कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल होता है। मान लिया एक चार्ज क्यू को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जहाँ का पोटेंशियल भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा चार्ज का, तो वह होगा क्यू इंटू भी, क्योंकि वर्क डन क्यू इंटू भी होगा, क्योंकि भी का मतलब है पोटेंशियल का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वो होता है भी, यानी पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब क्यू लाएंगे तो कहने का मतलब क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वर्क डन हो जाएगा क्यू इंटू भी, और यही वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब आइए टू चार्ज सिस्टम का। इसलिए मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इस बार बना दिया है कि मान लीजिए इसी तरह का वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ हो सकता है, हम जनरल केस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लिए हैं। अच्छा, मान लीजिए एक चार्ज क्यू वन यहाँ है और चार्ज क्यू टू यहाँ है, Q1 से Q2 का डिस्टेंस R है, तो हमको निकालना है अब Q1 और Q2 चार्ज सिस्टम का Q
क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने पहले ही कह दिया, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। मान लीजिए Q1 जिस पोजीशन में है वहाँ का फील्ड के कारण पोटेंशियल V1 है, और Q2 जहाँ है फील्ड के कारण पोटेंशियल V2 है। अब है कि हम Q1 तो शुरू में इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से जो हम Q1 को इस पॉइंट पर लाएंगे, अभी Q2 इन्फिनिटी पर है, Q1 को इस पॉइंट पर लाएंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इंटू Q1 ई फॉर्मूला से, तो Q1 इंटू V1 हो जाएगा W1 वर्क डन। Q1 इंटू V1 मैंने एक चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में। अब Q2 को लाते हैं हम इन्फिनिटी से, तो Q2 को लाएंगे जब इस पोजीशन पर, तो इस पोजीशन पर हमको टोटल पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। तो हम जानते हैं फील्ड के कारण पोटेंशियल है V2, और चार्ज Q1 पहले आ चुका है तो उसके कारण भी पोटेंशियल होगा। तो वो पोटेंशियल चार्ज Q1 के कारण r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, तो 1/4πε0 Q1/r। इट हुआ चार्ज के कारण, और फील्ड के कारण V2 है, तो टोटल पोटेंशियल Q2 के पोजीशन पर ये होगा। और जिस चार्ज Q2 को हम लाए हैं इस पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया Q2 इंटू V2 प्लस 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r। अब टोटल वर्क जोड़ दीजिए, Q1 का भी Q2 का भी, टोटल वर्क हो गया W1 प्लस W2, इतना हो गया। यही वर्क स्टोर हो जाएगा Q1 Q2 में एज पोटेंशियल एनर्जी, तो इसलिए W को हम U लिख दिए, Q1 V1 प्लस Q2 V2 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r। यही हमारा दोनों चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। मैं समझता हूँ बहुत सिंपल है, और आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और अगर आप इस आपको ये पसंद है तो आप लाइक कर देंगे, उसके बाद सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बजा देंगे, और दूसरों की भी मदद करना चाहते हैं तो उसे व्हाट्सएप वगैरह द्वारा उसको स्प्रेड कर देंगे ताकि उन्हें भी फायदा हो। बस मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।